Status of governors and governed. Because the basic subject matter in discussing different types of regime is to address the conditions and relations between those who govern and those being governed. Yani basically, we are here in this session going to discuss the difference between the governance and the governed. Yani wo log जो हुक्मरानी कर रहे हैं और वो लोग जिनके ऊपर हुक्मरानी की जा रही है हमें इन दोनों के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप को भी समझना है और उनके स्टेटस में क्या फ़र्क होता है इस बात को हमें जेर बहस लाना है बिकॉज इन डेमोक्रेटिक रजीम्स आर करेक्टराइज बाई ब्रॉड कंसेंसेज एंड रिप्रजेंटेशन बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्न एंड गवर्नेंस क्योंकि जमहूरीत की खासियत क्या है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर दोनों के दरम्यान कंसेंसस होगा और रिप्रजेंटेशन की बेस पर जो ऊपर वो लोग जिनके पास हुक्मरानी है उनके पीछे कौन है उनके अपने लोग हैं जिनकी नुमाइंदगी से जिनके वोट से वो काबिल हुए हैं कि वो हुक्मरानी कर सकें और लेकिन उन लोगों के अंदर जो सबसे इम्पॉटेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो है फैक्टर ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्योंकि उन्हें ये पता है कि हमें जिन्होंने हुक्मरान बनाया है हम उनके सामने अकाउंटेबल हैं वो जब चाहे हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं और हमें वापस उन्हीं के पास जाना है क्योंकि उन्हीं के वोट हमें रिक्वायर्ड हैं अगर हमने दोबारा भी ये स्टेटस को एंजॉय करना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी के अंदर वो लोग जो हुक्मरान के केहदे पर हुक्मरानी के अहदे पर फाइज होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उनके लिए क्या होता है कि उनको जो पावर मिली है दैट इज़ बेसिकली अ रिस्पांसिबिलिटी यानी उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए उन्हें अपने उहदे के लिहाज से जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करना है और उस उसदे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है और फिर उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेटरी सिस्टम्स हैं दुनिया में वो सब निज़ाम जो बेस ही इस पर करते हैं कि उनके पीछे जो फोर्स है वो लोगों की पार्टिसिपेशन है अगर वो अपनी कारदगी से लोगों को इतना मतम ना कर सके और लोगों ने पार्टिसिपेशन का लेवल लो कर दिया तो खुद इन्हीं हुक्मरानों की जो लिजिटमेसी है वो चैलेंज हो जाएगी ये इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्टर बिकॉज लिजिटमेसी गिव्स द राइट टू द रूलर्स दैट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर्स लेकिन अगर लोगों की रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए लोगों का वोट की तरफ ट्रेंड ना रहे लोग ये समझें कि उनके वोट देने से निज़ाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वहाँ पर चाहे वो हुक्मरान कुछ कम वोटों से मुंतखब होकर भी आएंगे लेकिन उनकी जो लेजिटिमेसी होगी वो डिबेटेबल हो जाएगी सो वी कैन से दैट द फैक्टर्स लाइक ओपननेस अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंटेटिवनेस पार्टिसपेशन दैन रूल ऑफ लॉ देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ऑन एक बेस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस बेसिकली डिटर्म द ओवरऑल स्टेटस ऑफ गवर्नर्स एंड गवर्नड इन डेमोक्रेसी यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्या वो लोग जो हुक्मरान हैं क्या वो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट कर रहे हैं अगर उनकी नज़र में कानून सब के लिए बराबर है और उसमें किसी अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है तो लोग मुतमईन हैं और लोगों का यही इतमान बेसिकली उनको अच्छे हुक्मरान साबित कर रहा है दैन डेफिनेटली अनदर इम्पॉटेंट कॉम्पोनेट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स यानी मुल्क के अंदर रियासत के अंदर मौजूद जो रिसोर्स हैं क्या हुक्मरान उनको इस तरीके से लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों में इम्प्रूवमेंट आ रही है या बेहतरी आ रही है क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट या बेहतरी नहीं है तो तब भी लोग मुतम नहीं होंगे उस निज़ाम से या उस निज़ाम की कर्कर्दगी से तो अगर हम मुख्तरा इस बात को समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्न जो गवर्न करते हैं जो हुक्मरान हैं और वो जो गवर्नड होते हैं जिनके ऊपर हुक्मरानी करती है की जाती है उनका जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है दैट इज़ लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द रूलर्स